जय उत्तराखंड साथियों, आप लोगों को मैं एक सूचना देना चाह रहा था कि आज माँ चंद्रबदनी की हम पर ऐसी कृपा हुई और भगवान बद्रीनाथ जी ऐसे दयनीय हुए कि हमारे दिवाकर भट्ट जी की जान बच गई। हुआ ऐसा कि वो पंतनगर देवप्रयाग के नज़दीक में क्षेत्र भ्रमण में जा रहे थे और उनका टायर भ्रष्ट हुआ स्कॉर्पियो का, और जो है ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी तो डिसबैलेंस हुई, उसको ले आके पहाड़ पे टकरा दी। पहाड़ से टकराई तो उसके बाद उसमें 2-3 पलटियाँ लग गई, तो गाड़ी तो बिल्कुल तहस नहस हो गई। पर भगवान का शुक्र यह था, अगर वो थोड़ा बाहर कर देता, अगर सूझबूझ से काम नहीं लेता बाहर निकल, तो सारे के सारे लोग वो ख़त्म हो चुके थे आज, और 3-4 लोग उसमें बैठे हुए थे। पर ऐसा रहा कि वो ठीक हैं, और लगातार पिछले 1-1.5 साल से भट्ट जी तो गांव में ही हैं और इधर उधर क्षेत्र में भ्रमण करने पे लगे पड़े हैं। आज भी उनका पहले कीर्तनगर में सारा भ्रमण होना था, कल युवा सम्मेलन होने जा रहा है कीर्तनगर में, और वो भी अब शायद स्थगित हो गया है। और इधर कीर्तनगर में उनके लगातार मीटिंग चल रही थी, इधर गांव में भी मीटिंग चल रही थी, लगातार वो क्षेत्र में घूमने पे लगे पड़े हैं। तो मैं आप और जनता से उनको बहुत स्नेह भी मिल रहा है, ऐसी कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं, बहुत स्नेह मिल रहा है जनता से। तो लगातार उनकी जो है समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो मैं भगवान बद्रीनाथ से, माँ चंद्रबदनी से प्रार्थना करूँगा कि उनको खरोचें तो बहुत आई हैं हाथ पाँव में, पर उनको जो है इंटरनल कोई चोट ना हो। ऐसी अभी 72 घंटे के बाद पता चलता है कि कोई इंटरनल चोट अगर है तो वो दिखाई देती है, पर उनको ऐसे चोट ना हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी स्वस्थ हूँ इस तरह की क्या। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिनू पे सिखी समालिया, ए जावा ए जावा।